जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है हम आपका चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी तमाम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जो हैं वो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 3 सेल्फ असेसमेंट जो हैं बनती हैं, तो लिहाजा हम तीनों को करेंगे। सबसे पहले जो है हम पहली सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ 2.1। ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसमें हमने प्रोटॉन्स जो हैं और न्यूट्रॉन्स, उन्होंने हमें बताए हुए हैं, और इवन इलेक्ट्रॉन्स भी बताए हुए हैं। जिसका कार्बन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें एटॉमिक नंबर उसका जो है वो 6 है, मास नंबर उसका 12 है, और जो अब इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन आप कह सकते हो, वो प्रोटॉन नंबर होता है, और जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो आपको न्यूट्रॉन्स पता लगेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स आपको जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो ये मैं दो बातें आपको अभी थोड़ा सा एक रफ पेज पे बता देता हूँ, ताकि आपको इन बातों का अंदाज़ा हो जाए। फिर आप क्लोरीन और कार्बन दोनों के आप बोहर मॉडल जो है वो ड्रॉ कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो है हमें वो दिया जा रहा है, विच इज़ जी। एटॉमिक नंबर को हम जी से भी डिनोट करते हैं, और मास नंबर जो हमें दिया जा रहा है दैट इज़ ए। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फिर न्यूट्रॉन्स का भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम पूरा मॉडल ड्रॉ कर सकें। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन नंबर होगा, तो लिहाजा प्रोटॉन्स पता लग गए, विच इज़ 6। और इस तरह ही मास नंबर जो है हम क्या करेंगे, मास नंबर जो है हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें न्यूट्रॉन मास नंबर से पता लग जाते हैं, लिहाजा ए माइनस जी अगर करें, ए माइनस जी इज इक्वल्स टू एन, विच इज़ न्यूट्रॉन्स। ए क्या है हमारे पास, विच इज़ 12, और जी एटॉमिक नंबर विच इज़ 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6, यानी इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन में, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 6। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 6 होगा। अब इसका जो मॉडल आपने ड्रॉ करना है, उसमें आप ये करोगे कि प्रोटॉन जो है उसमें आप 6 लिखोगे, न्यूट्रॉन जो है उसमें भी आप जो है वो 6 ही लिखोगे, क्योंकि अभी आपके पास आंसर जो है वो 6 है। सो ये एक न्यूक्लियस तैयार हो गया है, और न्यूक्लियस हमने बना दिया है। अब ये साथ हम क्या करेंगे, एक शेल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। तो दूसरे शेल में हम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 जमा 2, यानी 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिए हैं। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह से आप सेकंड पार्ट का भी जो है वो आंसर निकाल लोगे। सेकंड पार्ट में वो है क्लोरीन की बात कर रहा है, उसमें एटॉमिक नंबर क्लोरीन का प्रोडक्ट टेबल में 17 होता है, और मास तकरीबन 35.5 एवरेज होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 35 दिया हुआ है, तो आपने कैलकुलेशन 35 के हिसाब से ही करनी है। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, दैट इज़ जी, और मास नंबर इसका 35 है, दैट इज़ ए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं, इसको आप प्रोटॉन्स को यू कैन राइट पी, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए यू कैन राइट ए ई नेगेटिव, एंड न्यूट्रॉन के लिए यू कैन राइट इन दिस वे, राइट, सो दैट कुड बी न्यूट्रॉन्स। सो अब प्रोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, दे आर 17, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक नंबर जो होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा, सो 17 इज़ गोइंग टू बी द आंसर। और जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो बेसिकली प्रोटॉन नंबर के ही इक्वल होता है, लिहाजा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो क्लोरीन में हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन 17 होंगे। और इस तरह न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो हमने क्या करना है, ए में से जी को माइनस करना है, यानी मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, और हमें न्यूट्रॉन्स पता लगेंगे, आप उसको स्मॉल एन भी लिख सकते हो। तो अब क्या हो गया, 35 में से आप माइनस करोगे 17 को, तो यू नो 17 इज 34 प्लस 1 35, यानी 18 आपका आंसर आएगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यूट्रॉन्स इन दी क्लोरीन। अब अगर सिंबल के हिसाब से देखो, ये हमारे पास जो साइड है सिंबल की, दैट इज़ दी राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ऊपर होता है और एटॉमिक मास नीचे लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है कि एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है।
यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को सिंबल के साथ अगर लिखना चाहें, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, तो मास नंबर 35 हम ऐसे लिखेंगे। अगर लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है क्लोरीन की लेफ्ट साइड पे हमने नहीं लिखना है इस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को राइट साइड पे लिखना है, तो फिर आप मास नंबर ऊपर लिखोगे 35 और एटॉमिक नंबर नीचे लिखोगे 37। अब सम स्टूडेंट्स आस्क मी अ क्वेश्चन के सर ये अगर हम लेट्स से दैट सेंटर में लिखें तो कहाँ लिखेंगे, तो सेंटर का रूल भी यही है, एटॉमिक नंबर आप ऊपर लिख दो, एटॉमिक मास आप नीचे लिख दो, सेंटर का रूल भी यही है, लेकिन लेफ्ट राइट का रूल थोड़ा सा चेंज है। अमूमन जो रूल अब चल रहा है वो राइट हैंड साइड वाला रूल चल रहा है, पुराना रूल जो था वो लेफ्ट हैंड साइड वाला था। अब इसका हम एटॉमिक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इवन प्रोटॉन्स का भी पता लग गया है और न्यूट्रॉन्स का भी पता लग गया है। सो प्रोटॉन्स जो है हमारे पास इसमें होंगे राउंड अबाउट 17 जैसा कि आपको पता है, और न्यूट्रॉन्स जो होंगे दे आर समथिंग लाइक 18। अभी न्यूक्लियस ड्रॉ हो गया, अब न्यूक्लियस के साथ हमने ड्रॉ करने हैं शेल्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रफ सा स्केच ही बना रहा हूँ, आप कंपास वगैरह यूज़ कीजिएगा ताकि एक खूबसूरत डायग्राम बनाएं आप। तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब दूसरा शेल है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वैसे ऊपर वाले कार्बन की फिलिंग में हमें पता था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही थे बचे हमारे पास, इसलिए हमने आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल किया था। ये आउटर शेल होते हैं, इसे वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो वैलेंस शेल में इसके 4 थे, क्योंकि इसके पास टोटल 17 है, तो हम पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं, और दूसरे शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, और फिर तीसरे शेल की बारी भी आएगी, क्योंकि 2 और 8 10 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, इसमें भी 8 आ सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो फिल करेंगे वो होंगे जस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यू कैन से कि अगर हम शेल्स को नाम दे दें के एल और एम, तो के में जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, एल में 8 और एम में 7 आए, 2 जमा 8 10 और 7 17। सो इस तरीके से हमने इसकी मॉडल की डिपिक्शन आपको टोटली क्लियर कर दी है, ये बोहर मॉडल मैंने बनाया। और इसी तरह से इसके के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और एल शेल में जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। सो इस तरीके से हमने इसके एटम को भी समझ लिया है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला पार्ट टेस्ट योर सेल्फ या कह लें सेल्फ असेसमेंट का, और 2.1 हमने हल किया इन दोनों पार्ट्स को मिला के। और बोहर्स मॉडल फॉर एन एंड बी आपको नज़र आ रहा है, अब ये गेस करो ज़रा ये कौन सा होगा, प्रोटॉन इसमें 10 हों, न्यूट्रॉन इसमें 10 हों, 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो आप कह लो कि एक नोबल गैस में होते हैं, सो आप उसको नियॉन कह सकते हो, और इसमें भी 10 प्रोटॉन्स हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स में जाएँ तो ये आप कह लो कि ये भी नियॉन ही है, लेकिन उसका ये आइसोटॉप है। अब ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो आप मेरी वीडियोस के साथ रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, अगर आपने वीडियोस देखनी है द टॉप्स पे तो अभी डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और सेकंड चैप्टर को क्लिक करो वहाँ पर, तो इससे आपको क्या होगा कि सेकंड चैप्टर की तमाम प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उस प्लेलिस्ट में फिर आप आइसोटॉप्स का टॉपिक देखो और वो क्लिक करके आप देख लो उसको। तो आइसोटॉप्स इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है gsacademies.com, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक सर 2.2 जो है वो सेल्फ असेसमेंट मिसिंग है, अगर कोई ऐसी है असेसमेंट तो आप मुझे कमेंट करो, देन मैं देखकर आपको फिर उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ। बरहाल अभी 2.3 है सिलेबस में हमारे, क्योंकि 2.2 मुझे नज़र नहीं आई है। सो 2.3 की अगर हम देखें, हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो, ये 2.2 हो और इससे नेक्स्ट आने वाली जो है वो 2.3 होगी। सो 2.2 की तरफ या 2.3 की तरफ अगर हम देखें, तो राइट अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इसकी हमने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सो ये तो कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। सो अभी मैं आपको जो कि एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको मेथडोलॉजी अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम 13 की तरफ जाएँ तो आपको सबसे पहले सब शेल्स का पता होना चाहिए, एस पी डी और एफ ये सब शेल्स होते हैं, और शेल्स का भी आपको अंदाज़ा हो गई, और शेल्स में हम कह देते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, लेकिन ज़्यादातर सिलेबस में 4 तक ही आपको बताए जाएंगे। तो जो है एस इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 और 3, जबकि जो शेल्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 1
एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी टोटल सेवन शेल्स हो सकते हैं। और इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम सिक्स आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम टेन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम फोर्टीन आ सकते हैं, तो ये बात आपने नहीं भूलनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें शेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनका भी फार्मूला हमारे पास है टू एन स्क्वेयर्ड। तो पहले शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम आठ आ सकते हैं, फिर 18 हैं, और फिर 32 हैं, एंड सो ऑन। 5 का स्क्वायर 25, 50 आ सकते हैं। 6 का स्क्वायर जो है वो समथिंग लाइक 63 का, 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से 7 का स्क्वायर 49 और 98 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ शेल है और आपने उसी n नंबर का स्क्वायर लेकर 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम का पता करने की। फिर एक सेंसेशन आती है कि आप किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, यानी के एल एम और एन तक ही रहेंगे हम, तो इसमें दो रख सकते हैं, इसमें आठ रख सकते हैं, फिर इसमें अब 18 की बारी तो आती है, लेकिन 18 नहीं, 8 रखने के बाद आप अगले शेल में चले जाते हैं, यानी आप 8 रखने के बाद जो है इसमें रखने शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हालांकि 32 आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी 8 रखने के बाद मामला चेंज होते हैं। तो ये बातें अमूमन स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और ये आपको लाजमी इस बात को पता होना चाहिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि लेट्स से दैट कि जो हमारे पास शेल है, लेट्स से दैट ये पहला शेल है, तो इसको आप जो है के अगर कहोगे तो ये पहला शेल है, इसमें सब शेल भी एक ही आएगा विच इज़ एस। अब ये दूसरा शेल है विच इज़ के बाद एल आ रहा है, तो इसमें दो ही सब शेल आएंगे। स्टार्ट करते हैं एस से और पी से, ठीक है, एस और पी। और इस तरह से हमारे पास तीसरा शेल अगर आ जाता है तो तीसरा शेल के एल के बाद एम है, तो डेफिनेटली उसके अंदर तीन सब शेल आएंगे। एस से स्टार्ट करते हैं, एस पी एन डी, एस पी एन डी, और इस तरह ही आगे जाओगे तो फिर मज़ीद के एल एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, तो इसमें भी एस पी डी और एफ आएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए सबको। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ कि जो अगर पहला शेल है तो इसके एस के साथ पीछे वन लगाएंगे आप, फिर जो हमारे पास दूसरा शेल है उसके साथ आप लगाएंगे टू, क्योंकि दूसरा शेल था, और तीसरा शेल आ जाएगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेल सब शेल्स तीन थे। तीसरे शेल में ये के की वैल्यू वन थी, इसमें एक सब शेल आया, एल की वैल्यू टू है इसलिए इसमें दो सब शेल आए, और एम की वैल्यू जो है वो थ्री है इसलिए इसमें सब शेल्स की तादाद भी जो है वो थ्री होगी, थ्री एस थ्री पी और थ्री डी। उसके बाद अगर हम एम की तरफ चले जाएं, के एल एम एन की तरफ चले जाएं सॉरी, तो एन जो है वो फोर्थ शेल है, तो फोर सब शेल आएंगे, तो फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आपको कन्फ्यूज कर रही होगी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे। बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है वो पहले शेल में ही जाएंगी, यानी जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ही जाएंगे। उसके बाद बारी आएगी दूसरे शेल की। अब दूसरे शेल कौन सा है, दूसरा बेसिकली न्यूक्लियस से जो दूसरे नंबर पे है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भेजना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये बात याद रह जाती है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इस बात को समझना। एल्यूमिनियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन सेट कर गए हैं। तो अब आपको नज़र आ रही है ये मदर डायग्राम, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में जो आपको पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं 1s2 लिख लेता हूँ। फिर आपको पता है कि अब देखो L में आ गए हो ना, L में अब हमारे पास S भी है और P भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आता है कि अब P में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करने हैं कि S में। तो स्टूडेंट्स S की एनर्जी कम है और P की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन्स एस में फिल करोगे, पी में नहीं करोगे, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p में नहीं जाएंगे। तो 2s को फिल कर लेते हैं, तो 2s को फिल करेंगे तो डेफिनेटली 2s तो फिल हो गया। अभी 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल और हमने फिल किए हैं 4, तो डेफिनेटली फिर p 2p की बारी आ जाएगी और 2p के अंदर टोटल जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से 1s2 2s2 2p6, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमें 13 फिल करने हैं। अब डेफिनेटली आप 3 में चले जाओगे, थर्ड शेल में चले जाओगे, 3s की बारी है, फिर 3p की होगी, फिर 3d की होगी, लेकिन साइंसदान ऐसा मानते नहीं है। वो कहते हैं 3s के बाद 3p को फिल कर लो आप,
लेकिन उसके बाद जो है आप फिल करोगे 3D को, 3D को फिल जो है आप बल्कि नहीं करोगे, सॉरी, आप 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बजाय पहले 4s में जाओगे, फिर 4s के बाद 4p में जाओगे, फिर 3D में आओगे। यानी कि तीसरे शेल में हमारे पास तीन सब शेल हैं SPD। इसमें आप पहले 3s में तो फिल कर सकते हो, 3p में तो फिल कर सकते हो, लेकिन 3D में नहीं कर सकते। यानी अब इसको फिल करने के बाद, इसको फिल करने के बाद इसको फिलिंग की बारी आएगी ना 3 की, क्योंकि 3 शेल में 3 सब शेल होते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन फिल ना होने की वजह से क्या होगा, आप 4 शेल में चले जाओगे और 4s की बारी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है, याद रखिएगा। तो पहले s में जाओगे, फिर डेफिनेटली 4p में चले जाओगे। अब 4p से आप 4d में जा रहे हो, तो 4d में नहीं जाओगे आप, आप बल्कि इसमें चले जाओगे 3D में, जो कि भी अनफिल्ड था, क्योंकि साइंसदानों का मानना है कि 4D की एनर्जी ज़्यादा है और 3D की एनर्जी कम है, और साइंसदानों का ये भी मानना है कि 3D की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और 4S की कम है और 4P की भी कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D की बजाय इन दोनों में आने के बाद दोबारा इनमें आता है और इसमें फिर बाद में जाएगा। तो ये भी आपका लेवल वैसे छोटा है इस बातों को समझने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये जो 1s 2 स्कूल पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल वाली कहानियां जो क्लास में टीचर सुना रहे होते हैं उसके पीछे आखिर एक्चुअली क्या राज है। तो बहरहाल अब हमने इसमें भी फिल कर लिए इलेक्ट्रॉन, इसमें भी फिल कर लिए, दो शेल कम्प्लीट हैं। ये देखो K में भी फिल हो चुके हुए हैं और L में भी फिल हो चुके हुए हैं। K में आपने 2 फिल कर लिए, L में आपने 8 फिल कर लिए। अब बारी आएगी अब नेक्स्ट की, तो हमारे पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात नहीं आपने भूलनी है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 13 है। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट, आप नेक्स्ट ये करोगे कि आप ले आओगे नेक्स्ट शेल को, विच इज़ 3s, राइट, विच इज़ 3s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अभी बारी जो है वो m की, KLM एग्जैक्टली m की स्टार्ट है। इसमें मैक्सिमम आ तो 18 सकते हैं, अभी आपसे बात हुई थी, इसमें मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि 18 भी आ सकते हैं, लेकिन आप 8 की फिलिंग के बाद आगे चले जाते हो। ये देखो अभी मैंने आपको यही बातें कर रहा था कि 3s के बाद जो है 3p में जाओगे, 3d को फिल नहीं करना, क्योंकि s में 2 करोगे, p में 6 करोगे, तो 2 और 6 8 हो, डी में नहीं करोगे, इसलिए मैं 8 कह रहा था आपको। फिर आगे एन में चले जाओगे, तो इसमें 8 करने के बाद दोबारा पिछले एम को कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि अब एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2, 10 तो हो गए हैं, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, 10 हो गए, अब इसमें एस में 2 आ गए, तो टोटल कितने रह गए, टोटल अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो एस के बाद बारी डेफिनेटली 3p की है, हम 3p लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। सो एम में आप कह लो कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एल्युमिनियम की, जिसके पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 होते हैं, और इसका आखिरी सब शेल 3p होता है जो कि अनफिल्ड होता है, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, चूँकि बचा ही 1 था, तो इसलिए हम 6 तो यहाँ लिख नहीं सकते अब, तो लिहाजा हम 1 लिखेंगे। कम लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते। यानी अगर आप कहें कि S में 3 लिख लूँ और P में 7 लिख लूँ, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, सो आउट ऑफ रूल हो जाएगी बात। तो अगले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से जो है हम एक और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दैट इज़ सिलिकॉन, राइट, दैट इज़ सिलिकॉन। ये पीरियोडिक टेबल का जो है 14th एलिमेंट है। तो सेम, तो सब पहले तो ऐसे ही आप सब लिखोगे जैसे आपने लिख लिया 1s 2 2s 2 2p 6, 10 हो गए हैं, 3s 2, अब 12 हो गए हैं, और अब 3p 2 होगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंटर किया था, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, अब इसमें डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करूँगा, क्योंकि 13 के बाद अगला एलिमेंट 14 आता है। ठीक है, इसी तरह से फिर डेफिनेटली 15 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट का क्या करूँगा, 3p 3 कर दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सब सेम लिखूँगा, और आखिरी सब शेल में 3p 3 कर दूंगा, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉस्फोरस। और उसके बाद फिर फॉस्फोरस इज़ द 15th एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। इसको आईसी नोक्टा लूका भी पुराने ज़माने में बोला जाता था। उसके बाद है जी सल्फ़र। सल्फ़र जो है बेसिकली आप कह लो कि इट इज़ द 16th एलिमेंट, तो 3p 4 कर दूंगा, यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन यही लिखूंगा। उसके बाद फिर आखिरी सब शेल में 3p 4 कर दूंगा। उसके बाद फिर क्लोरीन का अभी आपको मैंने बताया था
बोहर मॉडल भी बनाया था मैंने इसका, 17th है इसका, हो जाएगा 3P5। इसका आखिरी सब शेल जो है वो 3P5 होगा, बाकी सब मैं ये सेम कर दूंगा, यानी आई एम गोइंग टू डू इट लाइक कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे फिल करूंगा, उसके बाद आखिरी सब शेल जो 3P है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, 17 हो जाएंगे, क्लोरीन भी फिल हो जाएगा। फिर एक नोबल गैस आ जाएगी आर्गन, उसमें 3P6 कर दूंगा। याद रखो जब आखिरी सब शेल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कोई नोबल गैस का ही एलिमेंट होता है, तो 18th नंबर वाला एलिमेंट होगा ये, सारे ये लिखने के बाद तो ये मैं लिख दूंगा। ठीक है, टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन है। आप ये लिख सकते हो कि इसकी जगह पे आप जो है वो नियॉन भी लिख सकते हो, नियॉन, क्योंकि आप जब नियॉन लिखो इसका मतलब है आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, अगली कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएगी कौन सा एलिमेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो फॉस्फोरस है, फिर नियॉन 3P4 है तो फिर वो सल्फर है, तो ये मैंने आपको अगले लेवल की बातें भी बता दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया होगा। हालांकि उन्होंने हमें कुछ डायग्राम्स भी दी थी नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब शेल लास्ट ऑक्यूपाइड बाय द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, इसमें अभी हमने जो है आपको एल्यूमिनियम का करके दिया है, 3s2 3p1। ठीक है, ये लास्ट सब शेल की हो वो हमें बता भी रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये लास्ट सब शेल है 3s2 3p1, ये देखें 3s2 3p1, ये लास्ट सब शेल बता रहे हैं। तो पीछे क्या आ रहा है, ये पीछे ये टोटल आप कह लो कि ये आ रहा है, सॉरी मैंने आपको नियॉन कह दिया, ये मैंने कहना था आपको नियॉन, बेसिकली आप लिखोगे Ne3s2 और फिर 3p3 लिखोगे, क्योंकि नियॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ये फिल होंगे सब, उसके बाद आप लिखोगे 3s2 3p। ये मैंने थोड़ा सा भी मैंने इस चीज़ को जज नहीं किया था, बहरहाल ये हमारे पास हो गया कॉन्फ़िगरेशन, राइट, एल्यूमिनियम की और बाकी तमाम एलिमेंट्स की। आप देख सकते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, यही हमने सब की आखिर में की है अभी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमसे बात काबिले गौर है और देखी जा रही है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.3 बन रहा होगा या 2.4 बन रहा होगा, अगर एक मिसिंग है, कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स। अब की बार हम आइसोटॉप्स को डील करने वाले हैं, मतलब अब नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ये आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ऐड हो सकती थी कि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जिसमें अभी हमने एल्यूमिनियम ऊपर किया तो एल्यूमिनियम ++3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये आप मुझे उसमें करके दिखाएं कमेंट्स में। फॉस्फोरस -3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं। इन तीनों की तो मैं आपको कर दूंगा क्योंकि ये तो आपको होमवर्क है, लेकिन ये आप करके दिखाएं, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप इनकी भी कर सकेंगे। एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 3+3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और इसमें फॉस्फोरस 15 होता है, इसमें -3 है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, यहाँ पर आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स की करनी है। तो यहाँ पर देखें 14, बेशक मास जो भी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख भी सकते हो ऊपर, ये टेबल में 2s2 2p2 है तो 1s2 आ जाएगा साथ इसके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कार्बन की, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लोरीन की अगर आप देखोगे तो अभी जो हमने क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सो क्लोरीन की नहीं की, चले वो मैं आपको कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन एक और है विच इज़ 37, तो दोनों की सेम ही होगी बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटॉप्स नेवर चेंजेस, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इसका भी 17 है, इसका भी 17 है, तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं कार्बन की, तो 1s2 के और L में 8 होंगे, L में 4 होंगे, K में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और मास नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक वो 14 दिया हुआ है। तो एक और चीज़ मैं आपको पता चलता हूँ कि जो कार्बन है इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 एंड कार्बन 14, तो ये आपको पता होना चाहिए 3 आइसोटॉप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन की, तो 1s2, अब क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देखें ये 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए, तो 3p6 नहीं आएगा, 3p5 आएगा, बस ये आपने ख्याल करना है। ठीक है, सो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। K में देखें आप 2 इलेक्ट्रॉन है, L में देखें आप 8 इलेक्ट्रॉन है, और KL के बाद M आता है, M में टोटल 7 है, 2 और 8 10 और 7 17, तो 35 की भी यही होती है और
37 की भी, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और मास नंबर तो आपके सामने है, 35 भी हो सकता है, और क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 37 भी हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि हम क्लोरीन को प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे तो 35.5 में इसको लिखा हुआ होता है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि क्लोरीन को ना, क्योंकि ये हमने देखा है कि 35 अबंडेंट है, 70% तक पाया जाता है, और क्लोरीन 37 जो है वो 30% तक पाया जाता है। तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू ज़्यादा है नेचर में, दोनों का एवरेज निकाल के 35.5 हम सपोज कर लेते हैं। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तब भी वो जो भी कर दी वही होगी। बहरहाल, सो ये था हमारा आज का सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी आपने सब्सक्राइब किए बगैर जो है इस चैनल को नहीं जाना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो भी ग्रुप्स हैं आपके दोस्तों के, और यही हमारी मैक्सिमम हेल्प होती है कि जब आप हमारी वीडियोस को शेयर कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे मज़ीद कौन से आपने क्वेश्चंस वगैरह हल करवाने हैं, तो इंशाल्लाह बवक्ते टाइम जो कि अच्छा मिलेगा मुझे, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपके सब प्रॉब्लम्स को हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़ों का ख्याल कीजिएगा।